अरे क्या हुआ मिठू, आज बड़े खामोश हो। शायद तुम भी उदास हो या शायद मुझसे नाराज हो, भूख लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ सच, बारिश हो रही लाहौर में। हाय उफ, कराची में तो बिल्कुल ही दिल नहीं लगा मेरा, इतना गंदा शहर है। लाहौर, लाहौर की बारिश, तुम लोग इतने याद आ रहे हो मुझे। कुछ दिनों के लिए सब इधर आ जाओ ना मेरे पास, दिल लग जाएगा मेरा। वैसे तो प्लान बड़े थे आज के, लेकिन वो मेरी वो मनहूस सिस्टर लॉ जिसने खुदकुशी करके खत्म किया था ना अपने आप को, उसकी आज बरसी है। फंस गई हूँ मैं घर में, कहीं नहीं जा सकती। वैसे पता है, एक बात बताऊं, इतने सालों बाद आई हूँ, दुख हुआ देख के। मेरा भाई मजनू की तरह ना उधर ही का उधर फंसा हुआ है। कुछ औरतें तो मरने के बाद भी ना आदमी को छोड़ती ही नहीं है, क्या करूं मैं उनके बारे में। अरे जोया, तुम इतनी जल्दी उठ गई, तुम तो देर से उठती हो। आप अभी भी इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हैं? अपना सामान उठाओ और निकले यहाँ से। अरे कैसे चली जाऊं, मेरे भाई का घर है, और वैसे भी मेरे घर में पेंट हो रहा है, एक हफ्ता लगेगा, उसके बाद चले जाएंगे। पूरी जिंदगी यहाँ गुजारने के लिए थोड़ी आए हम। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, हजारों होटल्स हैं यहाँ पे। अपनी हैसियत के मुताबिक कोई भी चूज करे वहां जाके रहे, क्योंकि जब जब मैं आपकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे अपनी अम्मों की मैयत याद आती है। याद है मुझे जब उनका जनाजा उठ रहा था तो आपके चेहरे पर खुशी के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब आप ही का प्लान है। क्या, कैसा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे? मुझे क्या पता था कि तुम्हारी माँ हराम की मौत, मेरा मतलब है खुदकुशी करके मरेगी। मेरा उससे लेना देना क्या था? मेरी माँ ने खुदकुशी नहीं की है, आप और डैड मेरी माँ के कातिल हैं। सुल्ताना भी अम्मो की शॉल लाए। पागल लड़की, बदतमीज। हेलो हेलो साइमा, पागल लड़की, बदतमीज। मुसीबत, मेरा बेचारा भाई इसके साथ फंसा हुआ है। ये लोग अपना खाना। अब तो ठीक हो जाओ, अभी तक नाराज रहोगे क्या? अच्छा बता, कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी लग रही हूं ना? बताओ ना, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। मेरा मियाँ तो मुझसे बिल्कुल ही बात नहीं करता, और अब तुम भी नहीं कर रहे। मैं उनसे कहती हूं कि तुम्हारे लिए भी एक प्यारी सी जूलियट ले। तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। एक मुसीबत ही है, पता नहीं वो मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करते। शायद कोई पैसों का मसला है, लेकिन वो मुझसे तो बात कर सकते हैं ना इस बारे में। मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अकेलापन भी बस। अच्छा खाना तो खा लो। ओ रोमियो, तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा।